प्रोसीजर में पहली चीज हमने क्या निकाली, टाइम निकाला है, इसके बाद आपकी क्या बनती है, डिस्टेंस बनेगी। ई मेन एट रेस्ट फील्स रेन फीलिंग रेन फॉलिंग वर्टिकली। ए मैन एट रेस्ट फीलिंग रेन फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही स्टार्ट मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर। ही हैज टू होल्ड umbrella at 53 degree with vertical. He has to hold umbrella at 53 degree with vertical. Find out velocity of rain. बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन बोलने मतलब बेटा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में पूछना चाहता है। बच्चों ऐसे कोई दो कंडीशन दिया होगा, अच्छे सुनना बेटा, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। एक बार जब मेन रेस्ट पे है तो ऐसे उसको रेन उसके सिर पे गिरती है, वो चलने लग गया तो 53 डिग्री पे आपका बारिश आई है। देखो कैसा सर, जब यहाँ ऐसे खड़ा था उस टाइम पे जो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, वो तो रेस्ट पे है, लेकिन जब आपका 53 पे जब मूविंग है तो बच्चों कौन सी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा कुछ है। दोबारा देखो, अपने पास बच्चों ऐसा दिया हुआ जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको दिया हुआ है, और वर्टिकल से जो एंगल बना बच्चों वो बना 53 डिग्री। सही है क्या? अब देखना क्या बेटा, अब सर मैन की वेलोसिटी एक तो दिया हुआ है, मैन की वेलोसिटी अपने पास ये दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी है वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आप ये वाला कंपोनेंट बनाना बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि दो चीज मिलके रेन और मैन जब मिलके दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ फील हो रहा होगा। एक बार देखो कैसे बनेगा, अभी अपने पास सिर्फ एक वैल्यू है बच्चों, एक वैल्यू कैसा लिख सकता हूँ इसको मैं, वी आर एम। ये बच्चों देखो कोस यहां बनेगा बेटा, यहां कौन सा बन जाएगा, साइन 53 डिग्री, दैट शुड बी इक्वल टू 4, या वी आर एम बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी 4/5, दैट इज अगेन इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये नहीं पूछा उसने आपसे, उसने पूछा जब रेस्ट पे था वेलोसिटी ऑफ रेन बताओ जब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं बोला है। तो आपको निकालना एक्चुअली क्या, वी आर जी क्या होता बच्चों, इसके हिसाब से देखो वी आर एम कोस 53, या ऐसा लिखा जाए वी आर एम मैंने 5, कोस 53 माने 3/5, आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। बच्चों हमने क्या किया, एक बार रेस्ट हुआ तो ये वाले कंडीशन आपसे पूछी कितनी वेलोसिटी आप बताओ, नहीं दिया, नहीं मूव करने लग जाएगा तो तब एंगल सिर्फ दिया हुआ है, तो मूव करते हो कौन सी वेलोसिटी होती थी सर, रिलेटिव एंगल दिया हुआ है, दोनों कंपोनेंट ब्रेक कर ले, बट ये वाली वैल्यू दिया है, यहां से वी आर एम आ जाएगा, और यदि यहां वी आर एम का पुट करोगे तो बेटा वी आर जी भी आ जाएगा। सही है क्या, बनाओ शाबाश। बच्चों यहां जो मैंने बनाया डायग्राम इस साइड बना लेता, मैं उस साइड बना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ वर्टिकल से एंगल पूछता, मैं बता रखा 53 इसलिए मैंने ऐसा बनाया बेटा, अदरवाइज ये बोलता नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस टाइप से पूछता तो मैं आई जे के में लिखता, उसमें अपने आप राइट आंसर आ जाता कौन सी डायरेक्शन दी हुई है। टेस्ट कल फिर आपका 10 बजे ही है ना, प्लेन वाला था पिछली बार क्या आया था, ना प्रोजेक्टाइल नहीं आया था पिछली बार, इस बार आएगा प्रोजेक्टाइल, तो बेसिक मैथ्स और यूएनडी आ रहा सर पिछली बार है ना, यूएनडी नहीं आया तो यूएनडी इस बार आएगा, और साथ में मेरे ख्याल से प्लेन वाला, इस वीक में यही पढ़ा ना कि यूएनडी तब हो गया था मैंने नहीं दिया था, थोड़ा सा बचा था वो मंडे को रहा था, और तब से मोशन प्लेन चल रहा है मेरे ख्याल से, या वनडी भी अभी हुआ है, पिछली बार टेस्ट कौन सा हुआ था, तो इस बार 1D और 2D दोनों आएंगे, 1D 2D और आपका ये बना हुआ है कौन सा था, कुछ बचा हुआ यूनिट डायमेंशन का बचा हुआ पोर्शन, एक और देखो बच्चों आप बेटे, एक टॉपिक और थोड़ा सा आप पढ़ते हैं, आप जानते बेटे क्रॉसिंग ऑफ रिवर वाला, रिवर क्रॉसिंग वाला, क्रॉसिंग ऑफ रिवर में बच्चों दो संभावनाएं बनते हैं, एक बार यहां देख लो, पहले आपका यहीं से काम बन जाएगा, एक होता बच्चों शॉर्टेस्ट आपको टाइम में करना है क्रॉस, और एक बच्चों अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी आप लिखो मतलब आराम से 2 मिनट पहले सुन लो, एक आपके पास है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वैसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे लिखा तो आप समझ जाओगे डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहता है, सबसे छोटी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाता है। बच्चों एक डायग्राम यहाँ बना रहा, बच्चों अपने पास रिवर है बेटा, रिवर की जो विड्थ है वो आपकी डी है, और रिवर बच्चों इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लोइंग है, ये बोलो तो बच्चों वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग है, इस टाइप की आपके पास है।
बच्चे यहां से पूछता है यदि शॉर्टेस्ट टाइम में आता था पहला आंसर, जब भी शॉर्टेस्ट टाइम का पूछा तो पहली बार पूछेगा भाई यदि वो आपका यहाँ साउथ बैंक पे यहाँ बंदा खड़ा स्विमर खड़ा है जो स्विम करना चाहता तो किस डायरेक्शन में उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जो आएगी सबसे पहले आएगी सर, डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स नॉर्थ आपका स्टार्ट करेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ वो जंप करेगा और आपका साथ में यहाँ स्विम करने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग जो करता है बेटा वो यहाँ से करता है। क्या बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच जाएगा और नहीं, क्यों? मान लो बेटा स्टार्टिंग में उसकी यहाँ वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि बेटा वो मैन आपका खुद स्टार्ट किया लेकिन साथ में रिवर पे मूविंग है, फ्रेम खुद ही मूविंग है तो रिलेटिव वेलोसिटी लेने पड़ी। फिर बोलता सर जाएगा कहाँ, पहुंचा कहाँ, कि बच्चों यहाँ की बजाय वो कुछ एंगल पे, कुछ एंगल आपका कुछ तिरछा यहाँ पहुंच जाएगा। जो बच्चों इस चीज को ऊपर वाले को बोला जाता है बेटा जहां सामने ना जाए कुछ आगे गया, इसको बोला जाता है बेटा ड्रिफ्ट। सही है क्या? पहली बात सर शॉर्टेस्ट टाइम में करना है, साउथ पे खड़ा तो नॉर्थ की तरफ जंप करेगा, मतलब परपेंडिकुलर टू फ्लो वो स्टार्ट करेगा। सही है क्या? परपेंडिकुलर जब फ्लो स्टार्ट किया क्या सर वो बिल्कुल अपोजिट, यहाँ ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है तो क्या बी के ऊपर पहुंचेगा? नहीं पहुंचे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये पानी वाटर या रिवर रेस्ट पे होता है बोलते हैं यहाँ पहुंचेगा, लेकिन खुद रिवर की भी कुछ वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे ये इसका काम क्या होगा बेटा वर्टी, अब देखो दोबारा याद दिलाता हूँ आपका, प्रोजेक्टाइल वाला दो मोशन अलग अलग, एक बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल क्या करता धीरे धीरे ऊपर जाएगा सर टाइम दे रहा, वो हॉरिजॉन्टल क्या करता आगे लेके जाता रहा। सेम तो कहानी यहाँ भी है बच्चों, आपके पास एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मेन वाला या आगे जाना चाहता है यहाँ तक पहुंचना चाहता है, और एक वेलोसिटी खुद बच्चों रिवर की भी है। तो रिवर वाली वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करे इसको आगे लेके जाए, आगे लेके जाए और यहाँ पहुंचेगा बी की बजाय। जितना बच्चों बी से सी पे शिफ्ट किया उसको बोला जाता ड्रिफ्ट। आसान से निकल जाए, कैसे निकलेगी देखिए एक बार। वो बोलता सर टाइम कितना है, टाइम लगेगा सिर्फ सिंपल बच्चों टाइम के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल सर परपेंडिकुलर वाला, इसका काम क्रॉस करना है बच्चों। तो आपने क्या बोला सर टाइम आपका डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू आपका एंड होगा यहां से आगे बीच में डी है, और वेलोसिटी क्या सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आंसर आ गया बस। टाइम तो यही है। यदि कोई बोलता सर ड्रिफ्ट क्या है, कितना आगे वो निकला है आपका अपोजिट ऑफ जो था बैंक उससे कितना आगे गया है, तो ड्रिफ्ट यदि निकालना तो कितना आसान काम है सर, ये रेंज जैसा है बच्चों। ड्रिफ्ट कैसा? रेंज जैसा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे करते रहे सर? टाइम इनटू आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ क्या बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, आंसर आ जाएगा। सही है क्या बच्चे? एक चीज तो ये हो गई बेटा। इस क्वेश्चन में जब पूछा था कितना एंगल है, एंगल कितना टेन थीटा आप बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, ये आपका दोनों एंगल यहां बने हुए तो बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर। सही है क्या? तो ऐसा लिख सकता हूं बच्चों मैं बी सी डिवाइड बाई ए बी, BC का मतलब क्या आ जाएगा सर अभी निकाला वी आर इन टू टी, और डिवाइड बाई ए बी क्या बच्चों D। सर इसको याद करना नहीं करना बच्चों, वी आर कैसा रखा बच्चों टाइम क्या बेटा, टाइम ऊपर सोल्व किया था D डिवाइड बाई V मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और डिवाइड बाई D फिर से है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, D से D आंसर आ जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी एम आर। सही है क्या बच्चों? जब भी आपको शॉर्टेस्ट टाइम माना तो एक आंसर पहले ही क्लियर है सर, आदमी कहां से स्टार्ट करेगा सवाल आ चुका है, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो करेगा। सही है क्या सर? टाइम कैसा आएगा सर? जो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी कर दो, टाइम आ गया। ड्रिफ्ट कितना सर? ड्रिफ्ट कितना होगा सर? हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो टाइम आपने निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर आप जानते हैं, तो टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर करोगे ड्रिफ्ट भी आ जाएगा। बच्चों कितना आगे गया वो, थीटा कितना है, ये मैं सबसे अंत में निकाल पाया हूं। कैसे सर? ड्रिफ्ट डिवाइड बाई विड्थ ऑफ रिवर से बन गया है। उल्टा सुनो एक बार, यदि बच्चों यहां पे शॉर्ट अभी लिखना बेटा आपको, अब यहां देखो एक बार, यदि बच्चों आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बोलता कि आपको तो यहां से स्टार्ट करना है, ये आपका वही ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, ये मैं समझा रहा हूं बच्चों आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बात तो क्लैरिफाई हो गई होगी आपको सर, इसका मतलब ये है यदि रिवर अपनी ऐसे फ्लो करती है तो आप यदि ए से स्टार्ट करेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको जाना तो बिल्कुल पक्का इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। सही है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों? जीरो। जो वहां लास्ट में निकलते हैं ड्रिफ्ट क्या होगा बच्चों? जीरो। अरे ड्रिफ्ट कुछ भी आ गया मान लो यहां पहुंचा तो शॉर्टेस्ट थोड़ी रहा, कुछ वैल्यू बढ़ गई है। तो मैं चाहता हूं आपका बिल्कुल सबसे कम डिस्टेंस हो, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल फाइनल देखो सीधी लाइन से मिला दो बात खत्म। बच्चे यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा सर डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में आपको स्विम करना स्टार्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों क्या यहाँ कर सकते हैं? नहीं। चलो यहाँ अलग बना रहा हूँ। क्या बच्चों आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों
सर यहां करेंगे तो हम आगे पहुंच जाते हैं, मुझे पहुंचना यहां है। बच्चे कुछ इस डायरेक्शन में आप यहां स्टार्ट कर सकते हैं ना, फिर तो सर ये और बढ़ जाएगा और आगे चला जाएगा, तो आप कुछ यहां स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप, तो इसके कारण एक कंपोनेंट तो इसके कारण आप क्रॉस कर लोगे। और एक कंपोनेंट ऐसा है बच्चों, मान लो आपके रिवर की वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो इसको 8 को कैंसिल आउट कर दे। 8 को कैंसिल आउट करने का मतलब रिवर मुझे रेस्ट जैसा दिखाई दे, वो यहां से चले और यहां पहुंच जाए, सही है क्या? दोबारा सुन लो एक बार बच्चों, एक बात ये समझ में आएगी। सर उसका आंसर था सीधा परपेंडिकुलर टू फ्लो, क्या ये परपेंडिकुलर टू फ्लो स्टार्ट कर सकता? नहीं सर, वहां ड्रिफ्ट आ जाएगी, मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट जीरो हो। तो एक ही तरीका मुझे नजर आता है सर, आपको कुछ इस एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सर ये एंगल कितना हो? तो इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे पहले कैलकुलेशन होता बच्चों एंगल की, किस एंगल पे आपको स्विम करना स्टार्ट करना है। सर वहां क्यों नहीं किया? अरे वहां मैं डायरेक्ट जानता था परपेंडिकुलर टू फ्लो, डायरेक्शन वहां भी थी मेरे पास, लेकिन परपेंडिकुलर टू फ्लो था, लेकिन यहां डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे मान लो वी आर एम में बोलूंगा कुछ भी, इसका एक कंपोनेंट तो यहां आएगा, ये कंपोनेंट क्या करेगा सर? परपेंडिकुलर टू फ्लो है, इसका काम तो ये सिर्फ टाइम बता रहा है कितने टाइम में आपकी रिवर क्रॉस होगी, जैसे मैंने पहले वाले केस में किया था। सर एक कंपोनेंट इसका कहां आएगा बेटा? ये इसका काम क्या आएगा सर? मान लो रिवर की वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये कंपोनेंट अपना क्या होना चाहिए? 8, तभी तो 8 और 8 कैंसिल होकर सामने जाएगा। दोबारा बात सुनना, यदि मैं बोल दूं बच्चों ये 6 है और ये 8 है, तो क्या ड्रिफ्ट आपकी आएगी इस साइड, पॉजिटिव साइड आएगी कि नेगेटिव साइड आएगी? क्योंकि बच्चों ये 6 है और ये 8, तो नेट तो इसी साइड वेलोसिटी आ गई ओरिजेंटल, नेट आ गई तो बच्चों इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। यदि मैं बोल देता बच्चों ये आपका 10 है और ये आपका 8 है, तो क्या यहां सामने पहुंच पाता? नहीं, क्योंकि नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहां कहीं पहुंचता, सही है क्या? तो ये बात आपको समझ में आएगी। सर यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दें ताकि सीधा यहां पहुंचेगा। देखो बच्चे एक बार, तो एक बात तो यहां से क्लैरिफाई हुई कि सर ड्रिफ्ट जीरो रखना, इसका मतलब क्या? यदि आपकी यहां वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आपको किसी थीटा एंगल पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सर ये थीटा कितना है? थीटा कितना देखना बच्चों, ऐसे बनाऊंगा सर, एक कंपोनेंट ये आ गया वी आर एम कोस थीटा, सही है क्या? और एक ये आ गया बच्चों वी आर एम साइन थीटा। बच्चों यहां आप विशेष ध्यान दो बेटा, थीटा मैंने किसके लिए, किसके साथ लिया है? क्या फ्लो के साथ एंगल माना? नहीं, थीटा किसके साथ मैंने माना है? परपेंडिकुलर के साथ। यदि फ्लो के साथ बोलेगा ना, तो थीटा में यदि बोलते ना बेटा फ्लो के साथ, बताओ क्या एंगल था? तो थीटा में ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, प्लस 90 कर दूंगा। अरे फ्लो के साथ एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा, सही है क्या? पहले ये देखो आप, तो यहां आपकी वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लिया वी आर। सर रिवर की वेलोसिटी सिंपल वी आर, क्या विद रिस्पेक्ट टू, क्यों नहीं बता रहे बच्चों? वी आर बोलने का मतलब रिवर फॉलोइंग कि कहां से देखते हैं, ग्राउंड से, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऐसे में वी आर सिंपल लिख रहा हूं। आपको ऐसे ही वेलोसिटी देखा कि रिवर मूविंग है 10 किलोमीटर पर आवर, 8, तो इसका मतलब वी आर है। दोबारा देखो, तो कंडीशन पहले ये हुई सर, वी आर एम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर, सही है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां पे? वी आर डिवाइड बाई वी आर एम, क्या रट्टा मार सकता हूं सर? हाँ, अरे ड्रिप में भी सेम यही चीज आई थी, बस यहां 10 थीटा लिखा हुआ था यार आपको। यदि आपको एंगल निकालना आ जाए डायरेक्ट, एंगल बताओ परपेंडिकुलर टू फ्लो, एक बोला शॉर्टेस्ट टाइम में ड्रिप कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी आर एम। यदि बोलता बच्चों आप बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, तो साइन थीटा आएगा बच्चों, दैट इज वी आर डिवाइड बाई वी आर एम। लेकिन थीटा कहां से लिया बच्चों मैंने? परपेंडिकुलर से, वो वाला भी और ये वाला भी, सही है क्या? फ्लो के साथ लेते हैं बच्चों, वहां फ्लो के साथ क्या एंगल बनता? 90 माइनस थीटा। तो बच्चों यदि मैं वहां फ्लो के साथ बोलता और ये एंगल था क्या, तो यदि आप फ्लो के साथ एंगल बोलते मैं निकाला थीटा है, तो आंसर क्या बोलते हैं? 90 माइनस थीटा है सर। थीटा मान लो बच्चों 30 डिग्री आ गया दोनों ही केस में, दोनों केस में 30 आ गया। सोल मैंने इसी से किया, सोल में 10 थीटा से ही किया, फिर मुझे बोला क्वेश्चन में सर विद फ्लो बताओ, तो शॉर्टेस्ट वाले टाइम वाले में क्या बोलता मैं सर? 90 माइनस 30 60 आंसर है। इसमें क्या बोलूंगा बच्चों? एंगल यहां थीटा लिया हमने ना सर, ये 90 प्लस थीटा 120 डिग्री आंसर है। बात समझ में आई क्या? कैलकुलेट हम थीटा कर रहे हैं बेटा, लेकिन आपको सवाल में देखना है उसने विद फ्लो तो नहीं बोला है। विद फ्लो बोलेगा तो वहां 90 माइनस थीटा और यहां 90 प्लस थीटा, सही है क्या बच्चों? अपना पहला काम आ गया डायरेक्शन निकालने का। अब यदि कोई मुझे बोला टाइम निकाल दोगे, अरे टाइम तो मैं ऐसे ही निकाल देता। क्या टाइम? क्या होता सर? डिस्टेंस डिवाइड बाई वर्टिकल कंपोनेंट, क्या आ जाएगा? वी आर एम कोस थीटा। बात सही है क्या बच्चों? बेटा ऐसे ऐसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि रेशियो बताओ टाइम का, इसको बच्चों मैं नोट की फॉर्म में लिखा रहा हूं, आपसे बार बार पूछा जाता है बच्चों, आप तो लिखवाओ, पीएमटी लिख रहा हूं, आप टाइम का रेशियो बताओ
शॉर्टेस्ट टाइम का और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितना आपका टाइम ज्यादा लगा कम लगेगा। बच्चों ये रेशियो लेस देन वन होनी चाहिए कि मोर देन वन होनी चाहिए? जोर सामने रेशियो लिखा बेटा, ये एक से कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अरे ऊपर क्या लिखा, शॉर्टेस्ट टाइम, ये कम ही होगा ना, तो लेस देन वन आएगा। यदि उल्टा भी पूछा कोई दिक्कत नहीं बेटा, यदि लिख देना टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिवाइड बाई शॉर्टेस्ट टाइम, तो टाइम की वैल्यू तो कम ही आएगी। यहां क्या निकाला बच्चा टाइम आपने, सर डी डिवाइड बाई वी आर एम, डी डिवाइड बाई वी आर एम कोस थीटा। बात समझ में आई क्या बच्चों? इसको कैंसिल कर दिया आपने, जैसे ये कैंसिल ये कैंसिल ये, तो आंसर आ जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम डिवाइड बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। आना भी चाहिए था, अरे आना भी चाहिए था, मैं बोला लेस देन वन आएगा। और थीटा कहां से बच्चों? ये अलग से मेंशन अब यहां किया, थीटा जो है दैट इज विद विद परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। सही है क्या? जो थीटा यहां लिया बच्चों परपेंडिकुलर, पीएमटी में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में आ चुका, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। रिवर में एक स्विमर है, एक बार वो शॉर्टेस्ट टाइम में आपका रिवर क्रॉस करता है, एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, उसकी रेशियो बताओ। यदि जो आपका स्विमर का एंगल जो है वो आपका दिया विद रिवर फ्लो 120 डिग्री, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सर थीटा सीधा पुट नहीं करना है, क्योंकि 120 कहां से दिया, रिवर फ्लो के साथ, आपको क्या लेना पड़ेगा 30 डिग्री। बात समझ में आई क्या? बना के देखो जा, बस एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और अच्छा आइडिया लगेगा भाई, तुम मेंशन कर लेना ये थीटा लिख के, नीचे लिख लेना विद रिवर फ्लो पूछा था 90 माइनस थीटा आंसर है। सही है बेटा, एंगल विद रिवर फ्लो 90 माइनस थीटा है। कंसेप्ट पकड़ोगे तो आसान है सर। दो चीज, ये टाइम निकाला था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आंसर आ गया, उसकी डायरेक्शन पहले ही फिक्स है परपेंडिकुलर टू फ्लो। लेकिन दूसरे वाले की बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डायरेक्शन आपको बतानी पड़ती है, क्यों? वरना सर आगे पीछे निकल जाएगा, तो थीटा वहां पहले सोल्व करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम कितने बच्चे हैं? तुम्हारा मंडे से बैच अलग कर रहे हैं, शाम में किसी क्लास है क्या? इवनिंग में हिंदी मीडियम वाले बच्चे किसी क्लास है बेटा? तेरा वो शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, हिंदी मीडियम का बैच अलग से पढ़ाएंगे शाम को। टाइम 5:30 करें, 5 करें, 5 ठीक है। कुछ कुछ वर्ड की यार टेक्निकल वर्ड की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, जैसे अभी तो ठीक, आगे भी जरूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए वहाँ ठीक 5 से 6:30 जैसा भी होगा फिर चलता रहे, है ना। मंडे से बेटा NLM जो आज मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, बस आधा घंटा को, और NLM वाला पोर्शन हिंदी का अलग अंग्रेजी का अलग कैसे करेंगे? हिंदी वाले बच्चों को आपको 5 से 6:30 आना, इसमें नीचे मेंशन कर ही लेना बच्चों आप, एंगल विद रिवर फ्लो जो आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा। बात समझ गए कैसे आएगा बेटा? ये होता है रिवर फ्लो जो ऐसा बना हुआ है, तो टोटल एंगल 90 है, तो ये कितना बच गया बेटा रिवर फ्लो के साथ 90 माइनस थीटा, वो बोला। नीचे अलग से एक लाइन मेंशन कर लो बच्चों आप, एंगल विद रिवर फ्लो विल बी 90 माइनस थीटा, एंगल विद रिवर फ्लो विल बी 90 माइनस। बच्चों ये क्वेश्चन जब आएगा ना आसान हो जानता है, जैसे मैं अभी तो आपको ये सब बना बना के आ रहे हैं फलान, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत आसान है ये, एक लाइन में से ही बन जाए, तो आपको ध्यान देना बस एंगल कहां से बताया हुआ है, कहां से पूछा हुआ है, वही गलती आप करोगे अदरवाइज गलती नहीं होगी। अगला वाला लिखो शॉर्टेज, इसको शुरुआत में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रेशियो को। सवाल आया बेटा कई बार डायरेक्ट, पर यूसर की बुक आप लगाओगे ना, नीट से अलग जो भी है उड़ीसा की फलान तक नीट चैंपियन में सवाल मिल जाएगा, तो इसके ऊपर प्रीवियस ईयर जो आप देखोगे ना, तो अब स्टेट पीएमटी वाला पेपर भी इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब आज से 5 साल पहले मैं नीट का पेपर की बात करूँ ना और आज कर, तो बहुत डिफरेंस हो गया है। अब उसको सीधी आपको ऐसी बात चाहिए फिजिक्स में आपको याद है, टिक कर दो आप, ठीक है, बायोलॉजी जैसी फिजिक्स चाहता है आपको, और सच में शनिवार को शनिवार जैसी फीलिंग आ रही है, पार्टी अंदर रोक शाम को उसमें कोई कोताही नहीं होती, तुम जानते मैं 8:15 के बाद क्लास नहीं पढ़ाता था, 8 बजे से पहले पहले वो वीडियो बना ले बढ़िया बढ़िया था वो यार, कहीं बन गए उसकी वीडियो, हाँ सहिता भी फेमस हो रही है, खतरनाक। मैंने कल ही सुना भाई क्या चला, FM पे सार दे उसी को बता रहे हैं, ये क्या चला वहां पता नहीं, मास्टर भी था हो गया, क्लास थी क्या वो? अच्छा मुझे नहीं पता, जूम क्लास, अच्छा आज अभी जूम क्लास कर लें। नीचे ये कोई इशू में लिखा हो बेटा एंगल जो थीटा विद वर्टिकल, नीचे एक लाइन लिख लेना एंगल विद, लिख रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ, इसको किया क्लोज, ये पहले भी आ जाएगा, एक लाइन यहाँ लिखता हूँ इसके नीचे एंगल विद रिवर फ्लो, यदि आपने पूछा
दैट विल बी 90 प्लस थीटा. मुझे लगा श्वेता तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं सर, उसकी शुरुआत में जब देखा था. एक छोटा सा सवाल, दोनों पार्ट आपको निकालना बेटा, टाइम आपको निकालना दोनों में ही. आसान क्वेश्चन तो बेटा, जैसे एक दिन कहानी रची ना, जब भी डाटा बेस क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, जब भी डाटा चाहिए आपका प्रोजेक्टाइल में किसी भी क्वेश्चन में आपका आएगा. एक्चुअली हमें लगता है मुश्किल, जैसे वैल्यू आ जाती है मुश्किल लगता है, एक्चुअली वो आसान होता है. और इसमें अपने को डेरिवेशन याद करना पड़ता है, सीधा स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है. जैसे मैं अब डाटा वाला क्वेश्चन दूंगा आपको, टाइम निकालना, शॉर्टेस्ट टाइम वाला भी, डिस्टेंस वाला भी, वैसे एक सेकंड में बन जाएगा. बना लिया बच्चों आपने? देखो एक रिवर यहां दिया बच्चों, रिवर की मैंने विड्थ दिया बच्चों 500 मीटर, और यहां बच्चों रिवर फ्लो हमने दिया हुआ है आपके बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर. हमारे पास जो बच्चों वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर. अपने पास डाटा दिया हुआ है, देखो एक बार, फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस रिवर. नंबर वन मिनिमम टाइम, नंबर टू टाइम टू क्रॉस, नंबर टू टाइम टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. टाइम टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको दोनों टाइम बताने बच्चों. क्वेश्चन बहुत सरल बन जाता, देखो बेटा इसका क्वेश्चन ऐसे आता, शॉर्टेस्ट टाइम बोला सर तो मुझे दो ही चीज चाहिए, आपको क्या क्या दिखा. देखो मुझे सुन लो एक बार अच्छे, जैसे ही सवाल बनेगा इसको, अब मुझे cos थीटा v r v इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बन जाए. कैसा सर? यहां पे वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर, सर आपकी दूरी कितना दिया हुआ 500, तो टाइम आ गया सीधा 500 डिवाइड बाय 6. ये किसमें बच्चों? आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा बेटा, 1 किलोमीटर में है और ये इतना आपका, तो इसको करो बेटा हाफ किलोमीटर डिवाइड बाय 6, तो 1/12 आर आ गया बच्चों. या मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में आंसर चाहो तो बच्चों आ जाएगा 5 मिनट लगेंगे आपकी रिवर क्रॉस हो जाएगी. सही है क्या? और यूनिट चेंज किया मैंने क्योंकि मेरे पास स्पीड जो 6 किलोमीटर पर आ रहा है, 8 किलोमीटर पर आ रहा है, वो मेरे पास मीटर में है, तो 500 मीटर का मैंने हाफ किलोमीटर लिखा. यदि आप अब मुझसे कोई पूछे ना बच्चों ड्रिफ्ट क्या, देखो मजाक हो जाएगा. सर टाइम आपके पास आ गया 1/12 और यहां कितनी स्पीड आपके पास, यहां कितनी स्पीड है बेटा इस साइड आपके पास 8 किलोमीटर पर आर. और ये नहीं आप बता सकते कितनी दूर निकलेगा, ये वाली दूरी नहीं बता सकते, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा. सर टाइम अपने पास है, ये भी है, तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी? ड्रिफ्ट विल बी 1/12. ये कौन सा बेटा? 1/12 क्या? टाइम है घंटे में, और वो आपकी क्या है? स्पीड. तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2/3 किलोमीटर. एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा बच्चों, अब अपने पास वो भी है, आपके पास ये भी हाफ है, वो भी अपने पास 2/3 आ गया. एंगल भी बना दोगे क्या? टेन थीटा यदि मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, देखना बेटा 2/3 डिवाइड बाई 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज 4/3. थीटा वैल्यू कितनी होती है बेटा? जब बड़ा तो 53. अरे बात सही है क्या? यदि यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बेटा ऐसे ही डाटा दिया हुआ है, फाइंड आउट एंगल विद रिवर फ्लो, तो उस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करना, यही था मुझे थीटा निकालना, लेकिन आंसर क्या होगा? 90 - थीटा, दैट इज 37. यहां देखना, यहां पर बस क्या दिया हुआ बच्चों? सर ये वाला अपने पास दिया हुआ है डी की दूरी है, तो पहले आप यहां एंगल बनाओ. एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर ये वाली वेलोसिटी 6 है, आप ये वाला थीटा मान लो, तो कैसे करना पड़ेगा? सर यहां आ जाएगा 6 sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 8. सही लिखा बच्चों मैंने? साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 4/3. थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 8/6. इम्पॉसिबल, बदलो. ना ना ना, 3 किलोमीटर पर आर पार्ट नंबर 2 के लिए बच्चों. इम्पॉसिबल है बेटा, फिर वो शॉर्टेस्ट टाइम में कर नहीं पाएगा. आगे देखो, 6 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 3. साइन थीटा कितना आ गया बच्चों? 1/2, दैट थीटा इज 30 डिग्री. अब टाइम निकालना कोई बड़ा इश्यू नहीं बेटा. अब टाइम बनाने के लिए क्या है? टाइम आ गया सर अपने पास, सर डिस्टेंस है किलोमीटर में हाफ. सही है क्या? और ये आ जाएगा बेटा वी आर एम, दैट इज 6 sin आपका cos, 6 cos 30. सोल्व करना बेटा, 1/2 और 6 है तो 1/12, और cos 30 माने कितना आ गया बेटा? √3/2. सोल्व करेंगे तो 1/6 √3 किसमें आया बेटा? आर में. मिनट में निकालना चाहो तो मिनट में निकाल लो. पार्ट नंबर 2 का डाटा चेंज, अलग कर देना पार्ट नंबर 2 को. अरे बात समझ में आ गया, इसको मैंने ब्रेक करना आसान है, वो वी आर एम और ये वो थोड़ा मुश्किल था. इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता था बच्चों, फाइंड आउट एंगल विद रिवर फ्लो, ऐसे पूछता था
फाइंड आउट एंगल विद रिवर फ्लो, ये मुझे करना है ना, सिंपल इक्वल करता मैं 30, सर ये रिवर फ्लो होता है 90 + 30, सही है क्या? अरे अब जो पहले कहानी किया ना, इतना यहां नहीं करना पड़ता है, वो यहां फटाक से हो जाता है। एक अंतिम टाइप का अच्छा सवाल और आपको कराता हूं, नोट्स आप पलट रहे बेटा पीछे पीछे, है ना, यदि काइनेमेटिक्स वो चीज होती है बच्चों, केटीजी और काइनेमेटिक्स, इनके साथ सबसे मेजर दिक्कत मैकेनिक्स में ही होती है बच्चों को। सर फॉर्मूला तो मुझे आता है, यूज कैसे करूं पता नहीं, मेजर दिक्कत सबको पता है, C = dUt + ½t² सब जानते तीनों इक्वेशन, यूज कैसे करूं वो दिक्कत कब होता है, जब आप उसको रिवाइज नहीं करते। और आपको ट्राई ये करना बेटा, जैसे फिगर वाला डाटा वाला क्वेश्चन फिगर बनाओ और सीधा 16 से करो। आपको मैंने दो एक बात बताई थी बच्चों, यहां से जाएंगे यदि वेलोसिटी मेरे पास 50 है तो ऊपर जाने में कितना लगेगा, हर सेकंड में से कितना होता है 10 m/s कम, 5 सेकंड ऊपर चला गया, 5 नीचे 10 आ गया, जानते हो बताई थी मैंने। यदि बच्चों मैक्सिमम हाइट निकालना है तो सर ये 50 दिया हुआ है, यदि कोई मुझे बोल देता ना टाइम ऑफ फ्लाइट किसी बॉल का 10 आपका 8 सेकंड है, कितनी वेलोसिटी से फेंका हुआ, पता कैसे सोचता, 8 से नहीं सोचता मैं, ऐसे सोचता 8 है तो 4 जाने का 4 आने का, 4 में ऊपर गया तो कितनी वेलोसिटी होती 40, ऐसे आंसर आता 40 आ गया, तो चाहो तो फिर मैक्सिमम हाइट निकालना तो निकाल लो उसको बेटा। आप ऐसे करने की कोशिश करना, फॉर्मूले पुट करके बता तुम लोग क्या करोगे, प्लस माइनस गलत लगा दो आंसर पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों में चाहो तो मेंशन कर लेना एंगल विद रिवर फ्लो, मेंशन कर लेना, क्योंकि जब एंगल विद रिवर फ्लो आपसे पूछता है ना, वो पहला ऑप्शन वो देता है जो सीधा थीटा आता है, और तुम लोग कन्वर्ट नहीं करते हो। इसमें 37 आ जाएगा एंगल विद रिवर फ्लो, उसके साथ बेटा 120। क्या सब बोल सकता हूँ बेटा, यदि मेरे पास ऑप्शन होते आसान सा सवाल मुझसे पूछना चाहता, मुझसे सोल्व नहीं कराना चाहता, वो आपसे ऐसे पूछता 100 टेस्ट डिस्टेंस में रिवर कर्व किया और एंगल आप बताओ रिवर फ्लो के साथ, ऑप्शन आ गए मान लो बच्चा 75 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 100 टेस्ट टाइम में 100 टेस्ट डिस्टेंस में आपको रिवर क्रॉस करनी है। अच्छा सवाल है, सुनना एक बार अच्छे से, देखते कितने बच्चे पकड़ पाएंगे बात। 100 टेस्ट डिस्टेंस में आपको रिवर क्रॉस करनी है और एंगल विद रिवर फ्लो पूछा है, ऑप्शन दे दिया 75, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, सोल्व करना पड़ेगा क्या? 90 से ज्यादा ही है, सही है क्या? अपने सोल्व नहीं करना, टिक करके आगे निकले। छोटा सा कंसेप्ट और आपका बचाओ, जब आपका परपेंडिकुलर, जैसे आपने क्रॉसिंग देखी बेटा, सिंपल क्रॉसिंग अपना जहाँ चौराहा हम बोलते हैं, एक गाड़ी आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगी? जब दो वर्टिकल मोशन होते हैं बट परपेंडिकुलर मोशन है, उनमें आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है या टाइम कितना लगेगा आपका मीट होने में, इस टाइप का सवाल आपका बनता रहता है। वो सवाल आपको कराता हूँ, आसान क्वेश्चन है, उसको मैं दो तरीके से बताऊँगा बेटा, एक मैथमेटिकल आसान हो समझ जाओगे और एक बहुत आसान तरीका होता है रिलेटिव से करने का, उन दोनों तरीके से मैं आपको निकालता हूँ। छोटा टॉपिक बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग परपेंडिकुलर टू इच अदर, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों एक बार बात को सुनना फिर आप बनाना, एक लॉजिकल बात बनती है पहले। बच्चों यदि मैं ऐसे बोल दूं कि बेटा आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक यहाँ है, एक ऐसे मूव करता है और एक ऐसे मूव करता है, तो क्या मिनिमम सेपरेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी? देखो बेटा सुन लो अच्छे से, एक ऑब्जेक्ट आपका ए और एक ऑब्जेक्ट बी, ये 10 km/h इस साइड जा रहा है बच्चों चौराहे से दूर, और ये 20 km/h इस साइड जा रहा है, क्या बच्चों मिनिमम सेपरेशन के लिए कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, और ये ताकि जाएगा दूरी बढ़ती ही जाएगी सर, जो स्टार्टिंग में वही मिनिमम है, बात समझ में आई है? तो मिनिमम सेपरेशन वाला सवाल बनता कब है? वो तब बनेगा बच्चों एक आपका ऐसे या तो एक आपका दूर जाए और एक आपका पास आए, चाहे तो तब बनेगा बच्चों, चाहे दोनों आपके पास आ रहे हैं उस टाइम बनेगा। तो जनरली ऐसा सवाल आपसे बनता है एक आपका दूर जाता है और एक आपका पास आता है, तभी आपका सवाल बनता है मिनिमम सेपरेशन का। यदि दोनों पास हैं तो मिल जाएंगे सर आगे 0, हम जानते हैं, दोनों दूर जाएंगे तो सर जहाँ स्टार्टिंग है वही आपकी मिनिमम है। तो क्वेश्चन आपको उस फॉर्म में बनेगा कि आपका एक पास और एक दूर, बच्चों एक बार देखना, सीधा क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूँ। अपने पास ऐसा कुछ है, अब हमने लिखा बच्चों दो ऑब्जेक्ट है सर, एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और एक ऑब्जेक्ट ए जो है बच्चों वो आपका 10 m की दूरी पे है ओरिजिन से चौराहे से, और बच्चों ये आपका 4 m/s ऐसे मूविंग है, सही? और एक दूसरे वाला जो अपना बी वाला ऑब्जेक्ट है बेटा
वह ओरिजिन से स्टार्ट किया है और ये 3 मीटर पर सेकेंड ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। तो यहां अपनी कहानी बन सकती है सर, ये दूर जा रहा है पास, हाँ कहीं ना कहीं सेपरेशन मिनिमम हो सकती है। दोनों का डायरेक्शन एक का ओरिजिन की तरफ, एक ओरिजिन से दूर, तभी ये सवाल बनता बेटा। दोनों ओरिजिन की तरफ तो अपने आप जीरो पे आके मैच हो जाएंगे सर, वहीं आना है। दोनों दूर तो मिनिमम वाली है, तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, एक पास जाएगा और एक दूर जाएगा, उसी में आपका मिनिमम सेपरेशन वाला क्वेश्चन बनता है। टाइम भी पूछता होगा कितना टाइम लगेगा मिनिमम सेपरेशन तक आने में, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। तो क्वेश्चन का मैं कैसे कर सकता हूं, देखो बेटा एक तरीका मैथ वाला, मेथड नंबर 1 से मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैथमेटिकल, दूसरा इसका आसान है। उसने बोला सर एक काम करो, एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी पे इनकी आप लोकेशन देख लो। लोकेशन देख लिया तो मान लो बच्चों आपके पास ये कितना चल जाएगा, यहां अलग से बना रहा हूं सर, ये चल जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 3 into t में, यहां तक पहुंच जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अरे उस डायरेक्शन में जा रहा था ना, तो टी टाइम में कितना 3 into t, एक्सेलरेशन कुछ बोला नहीं मैंने। सर ये वाला कितना आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, मान लो बच्चों यहां आ गया, ये कितना सर पहले था, ये पूरा यहां तक 10, 40 चल चुका, तो कितना बन जाएगा बेटा 10 - 40, सही समझ में आई बात, ये मैंने क्या लिखा समझ में आया बेटा आपको, स्टार्टिंग में एक ओरिजिन पे था, टी टाइम चला तो 3 into t यहां पहुंच गया, ये यहां 10 पे था, ये क्या किया सर, ये आपका टोटल इतना 10 था डिस्टेंस, 10 मीटर, टी टाइम चला कितना हो जाएगा, यहां पहुंच गया, तो ये कितना चला 40, तो ओरिजिन से कितनी दूरी बच गई, 10 - 40, बात पकड़ में आई है बच्चे। नहीं मैं बोल रहा हूं सर इस टाइम पे दूरी कितनी है, ये वाली दूरी बता सकता हूं वाई कितनी है, मैं एक सेकंड बता दूंगा कैसा, सर ये जो है आपका पाइथागोरस लग जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 - 40 होल स्क्वायर प्लस, यहां तक भी आप एग्रीड हो। फिर मैंने बोला बेटा फिजिक्स में जहां भी आपको मिनिमम आपको मैक्सिमम निकालना दे की तरीका है, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी निकालने के लिए आप रेंडम ग्राफ बना लो। रेंडम ग्राफ क्या बना लो सर, वाई को मिनिमम करना है तो वाई एक्सिस पे लो, ऐसे करते रहे, जिसको मिनिमाइज करना उसको या मैक्सिमाइज करना आप वाई एक्सिस पे ले लो, जो वेरिएबल उसको एक्स एक्सिस पे ले लो, किसको मिनिमम करना सर सेपरेशन को, जो कि वाई लिखा हुआ है, और कौन वेरिएबल टी, कुछ भी ग्राफ बना लिया, तो एक आइडिया आपको यहां से लग गया सर, जब भी आपकी मिनिमम या मैक्सिमम है तो डी वाई बाई डी टी शुड बी जीरो, सही बोला क्या, गुड। अब देखो बेटा एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, वाई स्क्वायर का 2y और y का लिखा बेटा डी वाई बाई डी टी, इनको सोल्व कर लो बच्चों, यार इसको ओपन कर लो पहले, चलो आपको सिंपल स्टेज में, ये वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा ओपन किया पहले, 100 + 16t² - कितना हो जाएगा बेटा 80t + 9t², पहले सिंपल इसको ओपन कर रहा हूं, 25t² - 80t + 100, बच्चों ये तो आपका आसान काम था, मैं यहां भी इसको डिफरेंशिएट कर सकता था, फिर ब्रैकेट की तरह सोलना पड़ता, 2 पावर आगे आ गया, फिर चेन रूल मुझे लगाना पड़ता, तो इसकी बजाय मैंने ऐसा किया। अब आप डिफरेंशिएट करो सर, वाई स्क्वायर का तो 2y और y का डी वाई बाई डी टी, यह कितना आ जाएगा 50t - 80 शुड बी इक्वल टू 0, अरे 0 के नीचे 2y जाएगा तब भी तो 0 ही है, तो देखो बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये आपका खत्म, आपका बन गया सर 85, आपका 50t = 80 और टाइम आ जाएगा बेटा 8/5 से। पहला स्टेप आया बच्चों टाइम निकालने का, क्वेश्चन में दोनों ही चीज पूछी जाती है, टाइम बता दो और डिस्टेंस बता दो, अलग अलग पार्ट में पूछा गया, अलग अलग क्वेश्चन भी आया है। प्रोसीजर में पहली चीज हमने क्या निकाली, टाइम निकाला है, इसके बाद आपकी क्या बनती है, डिस्टेंस बनेगी। देखो कैसा डी बनाना आपने को, तो डी बनाने का क्या तरीका बेटा, जिसको मिनिमाइज करना उसको पुट कर दो। अरे आप कैसे निकालते रहे मिनिमम सर, टाइम आ गया, वाई मिनिमम निकालना था, वाई की इक्वेशन में इसको पुट कर दो बच्चों सर, 25t² - 80t + 100, और किसके है बच्चों आगे वाई स्क्वायर है, ये सोल्व करेंगे बच्चों आपके वाई की वैल्यू पुट करके, तो वाई मिनिमम यहां आ जाएगा 6 मीटर। अरे बात समझ में आई क्या, अरे ऐसे मैंने करवा पता नहीं भूल गई यार, ऐसे करवा था मैंने, फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी तो dv बाई dt जीरो किया, जो वैल्यू आ गई उसको v में पुट किया तो v मिनिमम, सही ये कहानी यही तो किया मैंने सर, y को मिनिमम करना dy बाई dt को जीरो किया, जो टाइम आई है वो टाइम है जब आपका मिनिमम डिस्टेंस है, ये वो समय है। अब आपको निकालना y मिनिमम है कितना, तो इस पॉइंट को कहां पुट करना पड़ेगा, y की इक्वेशन में अपने आप आंसर आएगा, सही। दोबारा देखो इसी चीज को, ये बनता बेटा रिलेटिव से अति सरल सवाल, एक तो तरीका होगा हमने जो कन्वेंशनल मेथड पढ़ा मिनिमम मैक्सिमम का, ये बनता अति सरल सवाल, अपने पास ऐसा कुछ है सर, ये स्टार्टिंग में कैसा है, यहां पे 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाला कितना बच्चों अपने पास सर, ये यहां ऐसी है
3 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितनी है बेटा 10 मीटर। अब सवाल का मुझे करना है सेम चीजें टाइम और डिस्टेंस आपको निकालना। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, सर एक काम कर लो आप रिलेटिव वेलोसिटी ले लो किसी एक को रोक लो, रोकना वो ज्यादा अच्छा रहता है बेटा जो ओरिजिन पे है ताकि मुझे दूरी दिखती है वरना आपकी दूरी बढ़ती नजर आपको आएगी। रोकने का तरीका क्या था, यदि मैं बोलता बेटा ये बी और ये आपका ए, यदि मैं बोलता बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एज्यूम ए एट रेस्ट, ऐसे किया रहेगा रेस्ट पे करने का तरीका क्या था सर, इसकी वेलोसिटी अपोजिट और यहां लिख दो, बात समझ में आई है, इसकी वेलोसिटी उठाई और अपोजिट यहां दे दिया, बच्चे एक लाइन ये बन गई रिजल्टेंट की, बनी क्या बच्चे ये एंगल आप बना पाओगे, अरे एक सेकंड में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 3/4, थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, बात सही। अब देखो बेटा कितना आसान है सर, यदि इस पॉइंट से आप ओरिजिन से आप देखते हो, ओरिजिन से आपने देखा और क्या मिनिमम डिस्टेंस बता दोगे, बिल्कुल लो परपेंडिकुलर डाल दो मिनिमम आ जाएगी, इससे मिनिमम थोड़ी हो जाएगी, अरे मिनिमम आ जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालो कैसा, सर ये ट्राइंगल है आपका, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेस, ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा बेस, जो 10 दिया वो क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो एक बार सर आपने निकाला परपेंडिकुलर, ये वाली चीज है बेटा, ये इसको पॉइंट को जो भी मान लो, चलो मैं इसको ओ मार्क कर देता हूं, परपेंडिकुलर ओ ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बेटा ए बी, दैट शुड बी इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर बाय हाइट साइन थीटा, तो पुट किया बेटा साइन 37, ओ ए नहीं पता, ए बी की वैल्यू 10 और साइन 37, सोल्व किया तो 3/5, ओ ए कितना आ जाएगा बच्चों 6 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस आपकी आ गई बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस यदि आ गई है टाइम ही निकाल सकते क्या, रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हो, आपका मिनिमम डिस्टेंस आपकी आ गई, पुट करोगे आंसर सही है क्या, ये बना के देखो बच्चों पहले ये कैसे किया बच्चों, दोबारा देखो अब इसको यहां समझो बेटा, दो चीजें हैं, एक एक पार्टिकल यहां और एक यहां, ये सीधी अपनी वर्टिकल लाइन है, टी टाइम चला है, 3 स्पीड है, कितना जाएगा 3 × t, यहां पहुंच गया सर, ये पहले ही 10 मीटर की दूरी पे था, तो ये कितना चला 4 स्पीड, तो 4 × t यहां आ गया सर, अब ये ओरिजिन से कितनी दूरी बच गई सर, टोटल 10 था, ये 4t चला, कितना बच गया बेटा 10 − 4t। कन्वेंशनल मेथड ये है, मिनिमम डिस्टेंस पूछता इससे निकाल, उससे पहले वाले से रिलेटिव वाले से निकाल लो, टाइम पूछता तो यहां पहले स्टेप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकालना इससे बन जाएगा बेटा, क्योंकि टाइम निकालने से कट ऑफ नहीं था बच्चों, वो तो आप यहां से देखते नहीं, इससे ही आंसर आ जाता आपको सर, डिफरेंस करना 50t − 80 आंसर आ गया है ना, दिक्कत यहां थी कैलकुलेशन में, जब वाई में वैल्यू पुट करते तब ये लंबा बनता, यदि आपको मिनिमम डिस्टेंस आपको पूछा तो आपको बनाना बच्चा रिलेटिव वाले से, उपडाक से बनता है, और टाइम पूछा तो फिर बेटा एक स्टेप है यहां से बनेगा, एक बार दोबारा बताऊं बेटा प्रोसीजर, दोबारा बताऊं क्या, एक बार दोबारा सुनो आसान साहब, तो फटाफट बताता हूँ इसको आप जल्दी से ऐसे सीखना जैसे मैं बता रहा, कैसे सवाल करना है सर, ऐसे दिया हुआ है, एक वेलोसिटी आपको दे दी है यहाँ पे ऐसा 3 सर, यहाँ पे 4 ऐसा, देखो अब कैसे करना है सर, इसको रोक दो जो पास वाली, इसको ओरिजिन वाली को रोक दो, अच्छे सुनना बेटा एक बार, ये रोक दिया सर यहाँ 3 आ गया, इससे पहला काम डायरेक्शन बना लो सर, थीटा कितना आ जाए 3/4, तो थीटा कितना आ जाएगा सर 3/4 में 37 डिग्री, ये आ गया बस आंसर सर, ये परपेंडिकुलर ये 37 है ये बनाना है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा आंसर। दोबारा सुनो, कोई भी सवाल होता बेटा चाहे इसी टाइप का, वो कुछ भी आपको चेंज करता रहता, 3 कहाँ गया, यदि कोई भी सवाल चेंज करता रहता बच्चों, वो आपको बोल देता यहाँ 50 किलोमीटर दूर है आपका, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, 50 तो मुझे दूरी चाहिए बस, हमें 2 वेलोसिटी चाहिए बस, एक बोलता है मान लो बच्चों यहाँ 60, सुनते रहना बेटा यहाँ 60 है और इस बार यहाँ 80 है, फिर क्वेश्चन कैसे करता सर मैं, सवाल बनेगा तभी आपका, तब आपके पास 2 अलग अलग डायरेक्शन में है, तो कोई बात नहीं, अब इसको रोक देते, इसको ऐसे 80 कर देता, ऐसे मिला देता, समझे क्या, बात समझ में आई। सवाल अगला खतरनाक वाला सवाल, बच्चा बोलता सर दोनों यहां होते तो, बच्चा मुझे बोलता सर दोनों एक यहां रहते एक ऐसे, दोनों दूर होते तो ये 50 ले लो ये 100 ले लो दोनों, लेकिन है तो अपोजिट में, सवाल तो बनेगा अपोजिट में बेटा, एक टुवर्ड्स ओरिजिन एक अवे ओरिजिन, तभी सवाल बनेगा, मान लो बच्चा ये ऐसे पास में रहा ओरिजिन की तरफ ये दूर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको बेसिक वाले मैथ से टी वाले से करना पड़ेगा, सही है क्या, NLM की क्लास बैठ रहो आपकी मंडे से अलग करके करेंगे ना, इंग्लिश वाले बच्चे सुबह आएंगे हिंदी वाले से।